नमस्कार, भातला भी देख रहे हैं आप। होली के दिन बिहार के मधुबनी जिले में जो नरसंहार की घटना हुई थी आपको बिल्कुल याद होगा। इसके बाद बिहार के जातीय समीकरण में भारी उबाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि करनी सेना ने घटना स्थल का मुआयना किया था, जिसके बाद करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मकराना साहब, उन्होंने एक बड़ी एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रावण समाज से, रावण सेना से जो भी ब्राह्मण अपना संबंध रखेंगे तो करनी सेना उन्हें बीच चौराहे पर जाकर के फांसी दे देगी। इसके बाद ब्राह्मण समुदाय में इस बात को लेकर के अच्छी खासी नाराजगी है। आपको बता दें कि ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आशुतोष कुमार, उन्होंने इस मामले में करनी सेना को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि करनी सेना भगवान परशुराम को गाली दे करके, अपशब्द कह करके अच्छा नहीं कर रही है, फेक आईडी बना करके परशुराम भगवान को जो है अपशब्द कहे जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर करनी सेना वास्तव में वहां गई रहती, वास्तव में अगर सच्ची चीज देख रही होती तो ये इस बात की ओर भी इशारा करती करनी सेना कि साजिश में बहुत सारे राजपूत समुदाय के लोग भी शामिल हैं, लेकिन करनी सेना ने वहां जाकर के सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समाज के जो मुख्य आरोपी हैं उसे इंगित करने का काम किया, लेकिन जो राजपूत समुदाय के लोग हैं उसकी आड़ में है। और जो इस पूरे अगर बात करें तो पूरी तरीके से जो साजिश की गई थी उसमें जो शामिल थे उन्हें करनी सेना ने बचाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो एक बार फिर से ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच और करनी सेना आमने सामने हो गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस टक्कर में किसकी जीत होती है, किसकी बातों पर मुहर लगता है। लेकिन इससे पहले देख लीजिए ये वीडियो कि कौन किसके आमने सामने है, कौन किन एजेंडे को लेकर के एक दूसरे के आमने सामने अपना पक्ष रख रहा है। सत्य सामने आएंगे, आपके सामने रखा भी जाएगा। और कल हम लोग बेनीपट्टी महमदपुर जाके आए हैं, वहां पे परिवार के सभी परिवार की जितने भी बच्चे बच्चियां थी उन सबको हमने गोद लिया है। उनके शैक्षणिक, उनके पारिवारिक जो भी आने वाली गतिविधियां हैं, जो भी उनके परिवार में कोई शादी ब्याह कुछ भी होगा वो उसकी जिम्मेदारी करनी सेना की रहेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीके सिंह जी यहाँ विराजमान है और मैं आपके मार्फत बोलना चाह रहा हूँ कि उसके बाद में हमें बदनाम करने के लिए जो साजिश रची गई है उसमें करनी सेना को बदनाम करने की जो भी साजिश रचे हैं उनको मैं अलर्ट करना चाह रहा हूँ कि ये करने से पहले आप सोच लें कि करनी सेना जो भी बोलती है छाती ठोक के बोलती है। ये लुका छुपी का खेल हम नहीं खेलते। और जो ब्राह्मण राजपूत की लड़ाई की बात करते तो मैं एक चीज आपको बोलना चाह रहा हूँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकुल आगे पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम गुरु मानते हैं जिस जाति के व्यक्तियों को जिसको सबसे ज्यादा सम्मान हमने दिया है, और अगर जिसके मन में राम है वो हमारे हमारे गुरु हमेशा रहेंगे। ताउम्र जब तक ये धरती रहेगी क्षत्रिय का गुरु ब्राह्मण ही रहेगा, और जिसके मन में रावण है उसका सर कटेगा, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो और चाहे वो कोई सी भी रावण सेना चलाता हो, उसको चौराहे पे लटकना पड़ेगा। और उसको बचाने वाले जो भी तथाकथित लोग हैं और उसके पीछे बैकग्राउंड में जो भी कोई एमएलए है, एमपी है और कोई मंत्री मुख्यमंत्री जो भी है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हम खिलाफ में आएंगे, वही करने आए, और यदि हम आएंगे तो हम हजारों ब्राह्मण भाइयों को लेकर और मृतक के परिजनों से मिलेंगे और वहां हाथ जोड़कर विनती करेंगे दोनों पक्ष से कि यहां ब्राह्मण और राजपूत नहीं होना चाहिए, यहां न्याय की बात होनी चाहिए। अपराधी कोई भी हो न्याय संगत कठोर से कठोर उसको सजा मिले, प्रशासन उसके विरुद्ध कार्रवाई करे। और हमारी शिकायत, हम शिकायत किसी की नहीं कर रहे, जो कुछ लफंगे किस्म के लोग जो कम उम्र के हैं जिन्होंने समाज नहीं देखा है, करनी सेना वालों को क्या पता है कि बिहार में कैसी सामाजिक स्थिति है। वो राजस्थान से आ गए, यहां 14 लाख रुपया चंदा भी मिल गया और कहते हैं कि हमने 1 रुपया भी नहीं दिया, हम उनका खर्चा उठाएंगे। अब क्या उठाएंगे, बाद में आपके सामने रिजल्ट आएगा। कहा हमने साथ नहीं दिया, वो भाषण दे रहे थे कि आनंद मोहन जी होते तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। तो आनंद मोहन जी होते तो फिर न्याय करते, न्याय की बात करते ना, कि चाहे राजपूत हो या भूमिहार हो या ब्राह्मण हो या धोबी हो सबको अंदर कीजिए। कोई आनंद मोहन जी होते तो ब्राह्मणों को काट देते और राजपूतों को छोड़ देते, सबके लिए न्याय करते। और करनी सेना वाले को आज आनंद मोहन जी की याद आई है, 2015 और 16 में नहीं पता हो, जो मन चले जो अनाप शनाप कमेंट करते हैं उनसे मैं कहता हूं अगर नहीं पता हो
तो आप पता कीजिए 2015 और 16 में हमने इन्हीं पटना के सड़कों पर, राजेश सिंह जी हैं फ्रेंड्स ऑफ आनंद के, उस समय वही देख रेख कर रहे थे, आनंद मोहन जी के करीबी हैं, सोनू सिंह तोमर जी आनंद मोहन के भतीजे हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, अरवल के पूर्व विधायक रंग बहादुर सिंह के पुत्र हैं अभिनंदन सिंह जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, औरंगाबाद के टंटन सिंह राजपूत हैं, मेरे छोटे भाई हैं, रिंकू सिंह जी हैं, रिंकू मुखिया जी हैं, बुआ सिंह जी हैं, हमारे भाई समान हैं। पता कीजिए, कभी मेरे जहन में कभी कोई भेदभाव नहीं रहा, और ये जो आरोप लगा रहे ये हमारे संघर्षों को आप तकलीफ दे रहे हैं। आप हमारी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, और यदि आप जातिगत लड़ाई बनाइएगा तो हम कभी आपका साथ नहीं देंगे। अन्याय की लड़ाई लड़िए, जहां पर आशुतोष को ढूंढिएगा आशुतोष वहां खड़ा मिलेगा। और हम शिकायत, समाज से कोई शिकायत नहीं, शिकायत उन लोगों से है कि इसको ब्राह्मण बनाम राजपूत या भूमिहार बनाम राजपूत बनाने से बचें। और तमाम गार्जियन, समाज के गार्जियन से अनुरोध है कि अपने बच्चों को उनको समझाएं, अन्यथा माहौल बिगड़ेगा और फिर ये हालात सुधारने मुश्किल हो जाएंगे। धमकियां दे रहे लोग, इसको घर से खींच के मारो। कल एक फोन करता है, करनी सैनिक बोल रहे हैं घर पर एक 47 से हमला करेंगे। हमने उनसे कहा कि फोने पर कीजिएगा कि आके कीजिएगा, जमीन पर संघर्ष किए, और एक 47 नहीं, आपके पास जो तोप होगा ना उनको भेज दीजिएगा, एहसास हो जाएगा कि आशुतोष कुमार क्या चीज है। ये हमेशा घुमा ही रहता है, सीधा नहीं रहता है, स्पष्ट बात करते हैं और स्पष्ट सुनना पसंद करते हैं। एक बहन जी लगातार मैसेज कर रही थी लेकिन उनका मैसेज मुझे मिल नहीं रहा, कमेंट कर रही थी उनका कमेंट नहीं मिल रहा, मैं देख रहा हूँ, एक मिनट आप लोग बने रहेंगे। उनका कुछ सवाल था, दो तीन दिनों से मैं देख रहा था, तो उन्होंने बड़ी शिद्दत से कहा कि आज आपके कमेंट में हम सवाल करेंगे। उनका सवाल नहीं मुझे दिख रहा और वही मैं ढूंढ रहा हूँ। इसमें मैं यही अनुरोध करूंगा कि बाकी के समाज के लोग जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, यादव समाज के लोग हों चाहे जो भी हों, आप उनकी मंशा को समझिए कि वो चाहते क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो आपस में सवर्णों में फूट डालना चाहते हैं। यादव ही इतना होशियार हो गया, भूमिहारे और ब्राह्मण और राजपूत इतना मूर्ख हो गया कि भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत को यादव सिखाएगा राजनीति कैसे होती है, यादव सिखाएगा, और किसी भी वर्ग को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, किसी भी वर्ग को। हम यदि लिखे हैं तो बहुत लोगों को तकलीफ लगी है, कैसे लिख दिए कंडीशन के बारे में, भैया जाइए, और राजस्थान से यही नहीं, यहाँ से जम्मू कश्मीर भी जाइए जरूरत पड़े तो। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।